गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी एमएलए एस्पिरेंट शरण आईटी की लीडरशिप में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें एमएलए इलेक्शन के प्रिपरेशन के प्लान्स पर डिस्कशन किया गया है। शरण आईटी एक युवा नेता हैं और गुलबर्गा नॉर्थ इलाके में आम आदमी पार्टी से एमएलए इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश कर रहे हैं। इस मीटिंग में मौजूद तमाम लोग शरण आईटी के समर्थन में जमा हुए हैं और शरण आईटी को एमएलए कैंडिडेट देखना चाहते हैं। शरण आईटी के साथ इस मौके पर शशि बेनकनल्ली स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी, किरण राठौड़ ऑब्जर्वर, संजीव कारिकार, इसामुद्दीन जावेद शेख, मोहसिन शोहरवर्दी, रुक्मणी ललिता और दीगर लोग मौजूद थे। तमाम लोगों ने शरण आईटी की मेहनत और कारनामों को याद कर एमएलए इलेक्शन के लिए प्रिपरेशन की तैयारी की है। This video sponsored by North Karnataka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar. Villas and cottages, swimming pool and cocktail lounge, indoor and outdoor games, boat dining, sunset viewpoint, various selfie points and much more. आज हम सब लोग यहां आम आदमी पार्टी आने वाले इलेक्शन 2023 एमएलए इलेक्शन कर्नाटका में जो होने वाला है उसकी तैयारी के लिए नॉर्थ और साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे इलेक्शन लड़ा जाए और हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे कई निर्दलीय पार्टीज़ हैं, जो इलेक्शन करीब आने की वजह से हमारे जो प्लानिंग्स हैं उसको जैसे कि एक हिसाब से कॉपी करके ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जैसे 300 यूनिट लाइट और बिजली फ्री किया है, एजुकेशन को फ्री किया है और वुमेंस को ट्रैवलिंग फ्री किया है, आज हम कर्नाटका में भी ऐसी ही गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। आज हमारे पास जितनी आवाम यहाँ पर आई है, ये सभी आम आदमी इसके पास अपने दिल से आए हुए लोग हैं। इन्हें कोई पैसा दे के गाड़ियों में भर के ये लाया गया नहीं है। आज यहाँ पे जितना भी मजमा आप लोग देख रहे हैं, ये दिल से आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोग हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली पार्टी आम आदमी हो, गुलबर्गा में, स्टेट में, कर्नाटका में आम आदमी की सरकार बने और जो लोग दिल्ली के जो लोग हैं, पंजाब के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो सहूलतें ले रहे हैं, वो लोग भी गुलबर्गा कर्नाटका के लोगों को भी वो सहूलत मिले। हम आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है और इंशाल्लाह ताला हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले इलेक्शन 2023 में आम आदमी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और अपना साथ देकर इसे कामयाब बनाइए। आम आदमी की कामयाबी यानी कि अपने बच्चों का एजुकेशन की कामयाबी होगी, इंशाल्लाह हमारी तरक्की होगी, स्टेट की तरक्की होगी। बस इसी के साथ जय हिंद। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಶಶಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 9 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಬಹಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೈ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಿಕಲ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಲೀಡರ್. ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ ಹಮ್ ಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಹಮಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ. ಇಸ್ ಬಾರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಾರ್ಥ್ ಸೇ ಹಮಾರಾ ಶರಣ್ ಐ ಟಿ ಕೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಉತಾರ್ ರಹೆ ಹೇ. ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೇ ಆಜ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೇ. ತೋ ಇಸ್ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋ 6 ಬ್ಲಾಕೋ ಮೇ ಬಾಂಟ್ ದಿಯಾ ಹೇ ಔರ್ उसके अंदर 10-10 लोगों को हम लोगों ने लीडर बन के चुने हैं. तो वो लोग उनके अंडर और 6-6 सर्कल बनाने वाले हैं. वो सर्कल के हिसाब से, हर एक बूथ के हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं. उसी के सिलसिले में हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं. तो इसकी वजह से हम सभी आम लोगों को और सभी जनता से हम लोग गुहार करते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को जरूर बहुत मतों से जीतने के लिए हम लोग आग्रह करते हैं. मैं आम आदमी पक्ष का नॉर्थ का, हाँ, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग आकांक्षी हो एस्पिरेंट एमएलए इलेक्शन 2023 के लिए। आज हम कलबुर्गी में एक कार्यकर्ता का सभा रखे थे, 2023 का इलेक्शन आ रहे हैं ना, उसमें हम सभी कार्यकर्ता लोग कैसे हम इन्वॉल्व होकर हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, काम कैसा करना चाहिए, बूथ लेवल कैसे काम करना है, ब्लॉक लेवल कैसे करना है, सर्कल लेवल पे कैसे काम करना है बोल के, क्योंकि अभी इलेक्शन 3 महीना है, 9वां दिन अभी हमारा घर में कैसा शादी के टाइम काम करते हैं सभी प्लान करके, वैसे हम सभी फैमिली मेम्बर को कैसे बुला के एक एक काम देते हैं ना, वैसे कार्यकर्ता लोगों को बुला के आज एक काम टास्क दिया सो है। मैं इतना खुश हूँ, आज मेरा लाइफ के बहुत बड़ा दिन है, क्यों बोले तो हमारे नॉर्थ में 60-70 लोग कार्यकर्ता थे आम आदमी, आज 400 लोग बन गए हैं। मैं ये लोग मेरा कॉन्टैक्ट में नहीं था, क्यों बोले तो सभी फेसबुक में चाहने वाले, व्हाट्सअप में चाहने वाले और फ़ोन कॉल पर कॉन्टैक्ट करने वाले और वेल विशर्स, ये सभी दिन को सभी लोगों को इकट्ठा करने का दिन आज था, अवसर था और सभी कार्यकर्ता को मैं इकट्ठा किया हूँ। उसमें 50% हिंदू भाई बहनों थे, 50% मुस्लिम भाई बहनें थे, इससे क्या पता लगता कि नॉर्थ में हम गंगा जमुना का तस्लीफ बना रहे कि हमारा यूनिटी कितना है आम आदमी पार्टी दोनों कम्युनिटी का बोल के। इतना दिन बीजेपी वाले हिंदू बोलते थे, कांग्रेस वाले मुस्लिम बोल के बोलते थे, हम सेकुलर है, दोनों को लेके चलने वाले हैं। आज प्रोग्राम एक एग्जांपल है, ताज़ा उदाहरण है कि हम दोनों कम्युनिटी कितना कार्यकर्ता लोग आए थे, उनका पार्टिसिपेशन दिखाए थे, कई यूथ लीडर्स भी आए थे, यूथ बच्चे आए थे और सब एरिया से आए थे, मोइन परा बोलन दो, हागरा क्रॉस, MSK मिल, ताज नगर और मुस्लिम संघ और चनवीर नगर, फिल्टर बेट, आश्रय कॉलोनी, GDA कॉलोनी, शाहबाजर नाका, आलंद नाका, सब जगह से बसवेश्वर कॉलोनी। इससे क्या पता लगता कि हमारा कार्यकर्ता लोग सब जगह है, सब जगह ये लोग रेडी है क्या झाड़ू पोछने के लिए। JDS BJP कांग्रेस उत्तर विधानसभा क्षेत्र में है ना, वो तीनों पार्टी को झाड़ू से गूड़ने के लिए रेडी है। वो सभी क्या बोल रहे बोले तो हम ये बार आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और हम सेकुलर एक विधानसभा अभ्यर्थी को हम विधानसभा भेजेंगे, वो आदमी हमारा हिंदू मुस्लिम का भलाई चाहने वाले होना, हमारा भाई होके रहना बोल के वो लोग चाह रहे। मैं इतना चाहता हूँ आप कभी भी बुलाइए, 24/7 24 घंटा मैं आपका घर पे हाजिर हूँ, आपका काम करने रेडी हूँ, और क्या भी मसला रहन दो उत्तर में, वो चाहे हिंदू भाई का रहन दो, चाहे मुस्लिम भाई का रहन दो, चाहे ईसाई भाई का रहन दो और कौन सा भी कम्युनिटी का रहन दो, इधर मैं कम्युनिटी नहीं देखूँगा। मैं एक एजुकेटेड डबल ग्रेजुएट BA MBA लड़का हूँ, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है, आपका बीच में 2-4 साल से कितना सोशल सर्विस कर रहा हूँ आप देखे सो है, मैं कितना आपका डोर सर्विस दे सकता हूँ, बीच में रह सकता हूँ बोल के। मैं कभी भी एक MLA कौन भी है सो कभी भी बुलाए तो आना वैसा रहना, वो नॉर्थ में अब तक नहीं है, उनका घर साउथ में रहता है, हाँ मैं बीच में हूँ इधर गंज में, कभी भी बुलाइए मैं आता हूँ दिन रात आपका काम करूँगा। आज का ताज़ा उदाहरण है कि नॉर्थ में आम आदमी पक्ष जीतने वाला है, जीतने वाला है, जीतने वाला है, हम हराएंगे, हम हराएंगे, हम हराएंगे, कांग्रेस BJP JDS को झाड़ू पोछेंगे बोल के इतना बोलना चाहता हूँ। हम सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं शुक्र गुजारिश करता हूँ, सभी पब्लिक को इतना सपोर्ट करके प्रोग्राम आके सक्सेस किए से, बाद में हाँ एक महीने में हम 5-10 हज़ार लोगों का एक प्रोग्राम करने वाला है और बड़ा ग्राउंड में रखते हैं, हम इतना पता नहीं था कि इतना लोग कार्यकर्ता आते बोल के, इसलिए हम जगह कम पड़े, अब हम बड़ा ग्राउंड पे एक 5-10 हज़ार लोगों का एक महीने में कार्यक्रम रखते हैं, उससे हम एक कहड़े कर ये करते कि हम पक्का नॉर्थ में जहाँ आम आदमी आने वाला है बोल के दिखाते। जय हिंद।